जनपद हरदोई बेनीगंज कोतवाली के अंतर्गत करीम नगर जलालपुर ग्राम में एक मामूली गुटखा की पुड़िया के लिए बुजुर्ग को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि करीम नगर जलालपुर ग्राम में वेदनाथ अपनी दुकान पर बैठे थे। देर शाम ग्राम निवासी सोनू पुत्र दर्शन गुटके की पुड़िया लेने आया। वेदनाथ ने दिया जलाया था, जिसके चलते उधार पुड़िया देने से मना कर दिया, जिसके बाद सोनू ने वेदनाथ को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। वेदनाथ ने गाली गलौज कर रहे सोनू को मना किया गाली ना दे, जिससे सोनू ने दुकान से खींच कर चप्पलों से मारा, जिससे दोनों में हाथापाई होने लगी। सोनू वेदनाथ को घसीटता हुआ अपने परिवार के सदस्य मिंटू पुत्र दर्शन, कुसुमा पत्नी दर्शन पुत्र तन्ना को बुलाकर लाठी डंडों लात घूसों से मारने लगे। साथ ही गुप्तांगों पर लात घूसे और डंडों से मारा, जिससे वेदनाथ की मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने मुख्य आरोपी को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्तार से 3 अपराधी कोसों दूर हैं। अच्छा, एक को अरेस्ट किया है, बाकी 3 लोग फरार हैं। हाँ, 3 लोग अभी फरार हैं। कौन सा गांव? जलालपुर गांव है। और करीमनगर का जलालपुर लिखना। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सिल्लू शर्मा। जिनके साथ ये हादसा हुआ वो आपके कौन थे? वो हमारे पापा थे, बदई जिनके साथ आंटी जी ये घटना हुई वो आपके कौन थे? पति। और आपका नाम क्या है? हमारा राम प्यारी। अच्छा, ये घटना कैसे घटी? ये घटना पुरिया ले आए रहे, पुरिया ले गए और फिर आए गए पुरिया ले, फिर ले गए पुरिया उधार, अब फिर तिबारा में आए तब कहीं 5 रुपए की उड़ी दे दी, तो वो कहीं अति तनिक दुकान है मारी अत्ते हम कैसे दे दी तुमका 25 रुपया केरी, तब चप्पल निकाल ली, तब कहीं ये तो हुआ दुश्मन मालूम दे, हम कहीं देखो बटन टूटे, कहा बटन टूटी मारे तो हम कहीं बटन टूट नहीं है, बटन हुआ देखो साजी, तब लाग गरिया हुई, जब गरिया हुई लागे तब वो गारी दी, तब मारे लागे तब पकड़ लेगा बाहर मई, मतलब जाने थी मार डायरी से। तो किन लोगों ने मारा था, कितने लोग थे? सोनू और मिंटू दर्शन उस्मा, चार लोग थे टोटल। और सोनू के पता नहीं छुटावत हो आ मारत हो। अच्छा, और बाकी हमें ये भी जानकारी मिली है आप कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आप लोगों के मारने की धमकी, आप लोगों को भी मारने की धमकी दी जा रही है? वो जी है। अच्छा, घर है मोबाइल गए नहीं है, कोई हाजिर नहीं। अच्छा, वो है धमकी दे रहे हैं फोन से नहीं। थाना बेनीगंज में जलालपुर गांव है, तो वहाँ वेदनाथ नाम के व्यक्ति की दुकान है। उनके पड़ोसी सोनू ने वहाँ जाकर उनसे कुछ पुड़िया मांगी, उधार मांगा था, जो उन्होंने देने से मना किया है। इस पर कुछ होकर के सोनू ने उनकी पिटाई की, उनसे घर वाले भी आ गए, उन्होंने उनको पीटा और उसके एक वाइटल पार्ट पर चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मुकदमा कायम करके सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगली कार्रवाई।